पापा आपने बताया नहीं आप इतना अच्छा खेलते हो। पापा आपका स्क्वायर कट तो क्या कमाल था। ये! पापा दुकान तो पीछे चली गई। पापा पापा दुकान पीछे है। पापा जर्सी की दुकान पीछे है। पापा यू टर्न ले लो। करना बंद करो। पापा जर्सी। पापा हेलो कार्तिक आ जा। बाबू इस तरह खड़े क्यों हो? जाकर बच्चों के लिए चेयर ले आओ ना। सारा अभी कुछ काम से बाहर गई है। क्या दिखा रही थी? ये देखो। और कोई चारा नहीं है। मुझे ढूंढ रहे थे क्या? ये सब भी ले लो और बेच दो इनको। जा। अपने ही घर में अपनी बीवी की पर्स से चोरी कर रहे हो? हाँ मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे लेकिन हर बार यू प्रूव मी रॉन्ग। अपनी सैलरी से मैं हर महीने पैसे बचाती रही उस लॉयर की फीस के लिए ताकि तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जॉब वापस मिल सके। बाबू तुम क्या चाहते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हें पालती रहूं? आवारा गर्दी करते थे अब चोरी भी करने लगे हो। अगर किसी दिन जरूरत पड़ी तो जाके मुझे ही बेच दोगे। खुद को तुम्हारी बीवी बोलते हुए मुझे शर्म आती है। कब सुधरोगे? जब तुम इस तरह की लापरवाही करते हो तो मुझे हमेशा लगता है कि वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जीना हराम हो गया है मेरा। मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं थक गई हूँ। मैं क्या करूँ? इस जन्म में तो मैं तुम्हें झेल रही हूँ। अगले जन्म में मत मिलना। तुम पति बनने के लायक नहीं हो। निकम्मा तो था ही अब चोर भी बन गया। पापा आपने मेरा बर्थडे खराब कर दिया। मैंने केक भी नहीं काटा और मेरे सारे दोस्त चले गए। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है और आपने अपने ही घर में चोरी की। अब लोग मुझे चोर का बेटा कहेंगे। मैं कितना प्यार करता था आपसे। पापा आप अच्छे पापा नहीं है। आप बहुत बुरे हैं। आई हेट यू। पापा को माफ कर देना बेटा। ए किरण चलो चलो खेलते रहो। इस बुड्ढे पर चिल्लाते हो? हाँ कोई और ऐसा करता तो ग्राउंड के 10 राउंड लगवाता। और तुम बेटे जैसे हो। देखो तुम्हारे बाप की उम्र का हूं फिर भी तुम्हारे साथ छोटे से छोटी बड़े से बड़ी बात शेयर करता हूं क्योंकि तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं। चलो जो हो गया उसे भूल जाओ। आप जीत गए सर। मैं इस गेम से दूर नहीं रह सकता। मैंने कहा था ना तुमसे
मैं बिल्कुल सही था। यू आर बॉर्न फॉर दिस गेम। कल राम सर से मिलते हैं। वो असिस्टेंट कोच पोजीशन अगर तुम्हें मिल गई ना। कोच नहीं सर, प्लेयर। प्लेयर? हाँ सर, प्लेयर। मैं फिर खेलना चाहता हूँ, वो भी इंडियन टीम के लिए। अर्जुन देखो सर, इस बार पीछे नहीं हटूंगा। तुम 40 साल के हो गए हो। उम्र में एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन रिटायर होता है। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती और उसे पूरा करने का कोई सही वक्त नहीं होता। 40 साल बर्बाद कर चुका हूँ सर। आज 500 रुपए के लिए अपनी बीवी और अपने बच्चे की नजरों में चोर बन गया हूँ सर। अब बस मुझे खेलना है। तुम्हारा मन खेलना चाहता है पर तुम्हारा तन तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब सबने मुझसे उम्मीदें लगाई रखी थी तब मैंने सबकी ख्वाहिशों को कुचल डाला, सबका भरोसा तोड़ डाला मैंने। आपका, सारा का, दोस्तों का, सबका। आज खेलने के बाद पुराना कॉन्फिडेंस फिर से जाग गया है। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फक्र से ऊंचा हो गया था, वहां झुक के सलामी दे रहा था। वहां पर अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, उसके सर को मैं झुकने नहीं दूंगा। हाथ से एक नई शुरुआत होगी। दस साल पहले जिस मोड़ पे जिंदगी को छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा। जान भी दे दूंगा लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलूंगा। गुड मॉर्निंग कोच। गुड मॉर्निंग सर। ए, ये कोच नहीं है, प्लेयर है। बैठ। ये कोच नहीं, प्लेयर है। चलो बैठ जाओ। बैठ मस्त है यार। सुन, कोच आ गए क्या? हाय। कैसा है? अच्छा हूँ। लेट तो नहीं हुआ ना? कल अच्छा खेला तू। बॉयज, मैं हूँ रामानंद हेगड़े, कोच और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हैदराबाद टीम लाइन में आ जाइए प्लीज और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सलीम, राइट हैंड बैट्समैन। हेलो। रवि, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। श्रीकांत, ओपनिंग बैट्समैन। माधव, राइट हैंड बैट्समैन। अजीत, बॉलर सर। ऑल द बेस्ट। अरे तुम तो असिस्टेंट कोच मूर्ति हो ना? मैंने तो सुना था मूर्ति कोई बुजुर्ग आदमी है, तुम्हारा तो एक बाल भी सफेद नहीं हुआ। अर्जुन, राइट हैंड बैट्समैन। ओके बॉयज, चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नेक्स्ट, चलो बॉलिंग करो। नेक्स्ट, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम थोड़ा आगे आके खेलना। अरे तुम नहीं, नेक्स्ट।
गुड, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं बॉयज। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। लोग बिजी हैं, आपको कल आने को कहा है। ठीक है। मारेगा? अर्जुन फिर से खेल, पैसा आएगा मैं बोलता हूँ। तो ज्ञान मत बांट, अकेले चुप बैठ, तेरी वजह से हुआ है ये सब। चलो कंप्लीट करो। तुम्हें अर्थमिया नाम की बीमारी है, हार्ट बीट रुक रुक कर चल रही है। अगर तुमने ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लिया तो हार्ट फेल हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिंस लिख देता हूं, इससे तुम्हें कुछ वक्त के लिए आराम तो मिल जाएगा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल मत करना वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और हाँ, रेगुलर चेकअप के लिए यहां आते रहना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। सर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, वो लोग बिजी हैं, आपसे नहीं मिलेंगे। सॉरी पापा। चल मेरे साथ। पैसे ला, ले ले। ये ले, 500 चाहिए था ना? नहीं चाहिए यार। हाय अर्जुन, क्या बात है, सही टाइम पर आए हो, कम इन। नहीं सर, मैं यहीं पर वेट करता। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो, मूर्ति ने बताया मुझे। आ जाओ बात करते हैं। इस साल हमने दो नए कोच अपॉइंट किए हैं। 5 साल पहले रणजी जीतने के बाद पिछले साल हैदराबाद की टीम आखिरी नंबर पे थी, इसलिए वो इस साल नई टीम बना रहे हैं। इस बात से सब बहुत परेशान है। वो जो ब्लू सूट में बैठे है ना, वो है मिस्टर अतुल, बॉम्बे टीम के कोच। बॉम्बे टीम जो पिछले 3 सालों से रणजी जीत रही है ना, उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। और ये जो उनसे बात कर रहे हैं ना, ये है रामानंद जी, कर्नाटक टीम के कोच। मैं इनसे ग्राउंड पे मिल चुका हूँ। ओह, तुम बहुत पहुंची हुई चीज हो। मैं तुम्हारा इंट्रो करवाता हूँ। जेंटलमैन, आप लोगों को अर्जुन याद है? एक्स रणजी प्लेयर जो रिटायर हो चुके हैं, अब ये हमारे साथ ही काम करेंगे असिस्टेंट कोच की हैसियत से। नहीं सर, कोच की हैसियत से नहीं, प्लेयर की। क्या जी? मैं फिर से खेलना चाहता हूँ सर। बाहर वेट करो। कल जो मीटिंग के लिए आया था वो यही लड़का था ना? यस सर, इसका नाम है अर्जुन। 1980 और 85 में रणजी और दुलीप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तब मैं इसे परख नहीं पाया था। लेकिन उसके रिकॉर्ड देख लीजिए सर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कमाल कर दिया इसने। टूर्नामेंट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, मुझे भरोसा है अच्छा खेलेगा, टीम को इसकी जरूरत है। तुम्हारे बोलने के हिसाब से अगर उसमें टैलेंट है तो वो यहाँ स्क्रीन पे नहीं, इंडियन टीम में होता। इसलिए मेरा वक्त खराब मत करो। कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं सर, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ चैरिटी मैच में उसका जो परफॉर्मेंस था वो एक बार देख लीजिए आप प्लीज। हेगड़े, अपनी ये बकवास बंद करो प्लीज। ये 40 साल का बुड्ढा है और तुम उसे टीम में लेने के लिए कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इसकी जगह हम किसी और यंगस्टर को ले सकते हैं जो नेशनल टीम में खेल के देश का नाम रोशन कर सके। इस थके हुए खिलाड़ी को लेके तुम टीम को डुबाना चाहते हो क्या हेगड़े? इसमें हंसने वाली क्या बात है? सर, राजेश खन्ना का एक डायलॉग पता है आपको? आनंद फिल्म का डायलॉग है, बहुत बढ़िया है, मैं आपको सुनाता हूँ। सुना।
इसलिए उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, खेल बड़ा होना चाहिए सर। कहाँ राजी, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, माइंड ब्लोइंग प्लेयर है ये। अर्जुन नेट में जाना है, तैयार हो जाओ। सर थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। सर ये जो जा रहा है ना, बहुत अच्छा बॉलर है। दूसरा ग्लव कहाँ चला गया? यहीं पे तो रखा था। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप बॉस। अर्जुन चलो देर मत करो, कम ऑन। अब कहाँ चला गया दूसरा ग्लव? तुम बॉलिंग करो। सर वहीं पे रखा था, मिल नहीं रहा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है क्या? गेट आउट। क्या ये सुपर यार। मजा आ गया। अरे एक मिनट, काटा लोग मारा था वो। मिल नहीं रहा है सर। बेचारे का मुंह देखने लायक था। तू सिर्फ मुझसे हाथ का ग्लव्स ही छीन सकता है, मेरे हाथ की लकीरें मुझसे नहीं छीन सकता। आइंदा अगर तूने ये नीच हरकत की तो उस डम्स की जगह तुझे काट दूंगा। खड़ो। अगर तुम दोनों का यही रवैया रहा, दोनों को स्टेडियम में कभी कदम नहीं रखने दूंगा मैं। चलो अब जाओ यहां से। चल यार। तुम उस रमिया को जानते हो ना? अरे वो जर्नलिस्ट, ये आर्टिकल लिखा है उसने। कल एसोसिएशन मीटिंग में लोग तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। सर पर ये आर्टिकल, सर अरे इस बार रणजी ट्रॉफी को लेकर हैदराबाद टीम बहुत सीरियस है। अतुल और रामानंद ने मिलकर सबसे बेहतरीन 35 खिलाड़ियों को चुना है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद रणजी टीम के लिए उन 35 में से 15 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसमें से कोई भी बाहर हो सकता है। सर मैं सिलेक्ट हो गया ना? अरे हंस क्यों रहे हो? बताया था ना कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है। अभी भी कह रहा हूं, ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है।